हेलो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी एप्लीकेशन में फॉल्ट आ जाता है या वो रन नहीं कर पाता है, आप उसे परेशान होते हैं, तो उसे अन इंस्टॉल कर देते हो और फिर जाके प्ले स्टोर में आप उसे इंस्टॉल कर लेते हो। तो इस तरह से क्या होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपका डाटा भी वेस्ट होता है। तो इसी का सोल्यूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में कि आप उसे बिना अन इंस्टॉल किए हुए यानी बिना डिलीट किए हुए आप उसे एप्लीकेशन को कैसे ठीक कर सकते हो, यानी किसी भी एप्लीकेशन को ठीक कर सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए लेके चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको दिखा देते हैं कि आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को। मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखा दूँ कि कैसे ठीक करना है। तो आप एग्जांपल ले लीजिए कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन में फॉल्ट आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या रन नहीं कर रहा है। तो एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ, तो अगर ये लाइकी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको आपको चला जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप मैनेजर ढूंढ लेना है। जैसे ये रहा ऐप मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका सारा एप्लीकेशन इसमें आ जाएगा। तो मैं लाइकी को ठीक करने के लिए बोला था तो लाइकी को मैं ढूंढ लेता। ये रहा लाइकी, आप देख सकते हैं 281 MB का फाइल इसमें बन चुका है। इसमें हमारा फॉल्ट है तो इसे हम ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए स्टोरेज में जाएंगे, तीसरे नंबर पर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और नीचे देख सकते हैं डाटा क्लियर। अब देख सकते हैं टोटल 352 MB है। तो मैं जैसे डाटा क्लियर करूँगा आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब देख सकते हैं 210 MB है, यानी जितना भी एप्लीकेशन में कचरा था, कुछ भी था या हैंग कर रहा था एप्लीकेशन या रन नहीं कर रहा था, तो वो सारा ठीक हो जाएगा एकदम। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो उस जैसा ही हो जाएगा। तो मैं आपको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का आ रहा है। मेरा अकाउंट था पहले इसमें, अभी मेरा अकाउंट इसमें नहीं है, नहीं अलाउ करने के लिए बोला था। इस तरह से आप ठीक कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।